आज का शुभ संदेश व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय शुद्धि करने के पहले व्यवहार शुद्धि करना पड़ेगा। व्यवहार शुद्धि का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपके भोग में मन वचन काया की प्रवृत्तियां चल रही है और जो आपने ये आत्मा शरीर और आत्मा के संबंध के प्रारंभ से जो जब से ये जगत चालू हुआ है तब से जो है आज तक उन 84 लाख जीवा योनियों में से किस किस के आप संपर्क में आए हो और किसके साथ राग द्वेष किया है, किसको दुख दिया है, वो सब का जो हिसाब है वो चुकता करना पड़ेगा। और वो हिसाब चुकता उनसे माफी मांग करके और उनसे जो प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके उन हिसाब को चुकता कर लेते हैं। तो हिसाब जब चुकता हो जाता है कि जैसे कि बैंक से जो है आपने लोन लिया, लोन चुका दिया, हिसाब चुकता हो गया, अब आपका बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन लोन नहीं चुका होगी तो बैंक आपकी चीज को हड़प सकता है। तो जब आपने ये व्यवहार सारा क्लियर कर दिया, सबसे क्षमा याचना करके शुद्ध हो गए आपने और इस मन वचन काया का वर्तमान का सारा जो है कर्जा उतार दिया, तो ये व्यवहार शुद्धि हो गई। और व्यवहार शुद्धि का अर्थ ये है कि निश्चय शुद्धि तो हुई हुई है। निश्चय जो हमारा प्रभु है, वो भगवान है, वो तो शुद्धि है। मूल आत्मा शुद्ध आत्म तत्व मुक्ति में जाने वाला ही है, लेकिन उसको बांधे रखा इस व्यवहार ने, इस कषाय ने, इस राग द्वेष ने, उस व्यवहार की शुद्धि करके और आपने इसको जीरो कर लिया, तो जीरो करते ही वो मुक्त अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि उसको कोई बांधने वाला नहीं है और वह तो सर्व दुखों से मुक्त होकर के मुक्ति को चला जाएगा।